एलन मस्क ने मंगलवार को ट्विटर का लोगो बदल दिया है। अब लोगो में नीली चिड़िया के बजाय कुत्ता नजर आ रहा है। दरअसल जब से एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण किया है तब से उन्होंने कई बड़े बदलाव किए हैं। पहले ब्लू टिक के लिए पेड सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू की, यानी कि आप पैसे देकर ब्लू टिक खरीद सकते हैं, जिसके बाद अब उन्होंने ट्विटर का लोगो भी बदल दिया है। मंगलवार को मस्क ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक मीम शेयर किया। इस मीम में एक कार है और उस कार में डोगो और एक पुलिस अफसर जो उसके ड्राइविंग लाइसेंस को देख रहा है। पुलिस जब उसके बदले हुए फोटो को देखता है तो डोगो कहता है कि ये फोटो अब पुरानी हो चुकी है। आपको बता दें, डोगो मीम डोगकॉइन ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के लोगो का एक हिस्सा है और 2013 में एक मजाक के तौर पर बनाया गया था। खास बात यह है कि ट्विटर के मोबाइल ऐप में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ट्विटर के CEO एलन मस्क ने 26 मार्च 2022 के एक स्क्रीनशॉट को भी शेयर किया, जिसमें उनके और एक गुमनाम खाते के बीच एक बातचीत है। इस बातचीत में एक शख्स चिड़िया के लोगो को डोगो में बदलने के लिए कह रहा है। इस पोस्ट को ट्विटर पर शेयर करते हुए मस्क ने लिखा कि वादे के मुताबिक पिछली बार 44 अरब अमेरिकी डॉलर के सौदे में ट्विटर को खरीदने वाले मस्क डोगो मीम के जाने माने सुपर फैन हैं और उन्होंने डॉग कॉइन को पिछले साल ट्विटर और सैटरडे नाइट लाइव की मेज़बानी के दौरान दोनों में बढ़ावा दिया है। और वहीं ट्विटर के बीच लोगों में बदलाव के बाद डॉग कॉइन का मूल्य 20% से ज़्यादा बढ़ गया है।